भारतीय किसान यूनियन अवध के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने संगठन के प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान व कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला की अगुवाई में उप जिलाधिकारी सबाजपुर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की, सरकार द्वारा जिस प्रकार कृषि कानून बनाया गया है उससे देश का किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए वो प्रदेश में गन्ने की फसल का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल कर किसानों को 14 दिन में गन्ने का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। आज सवाईजपुर उप जिलाधिकारी महोदय को 15 सूत्री ज्ञापन किसानों की समस्याओं से संबंधित दिया गया है, जिसमें जो तीन इस समय के जो बड़े बिंदु हैं जिन पर पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा तीन कृषि अध्यादेश लाए हैं जिनकी वापसी को लेकर पिछले 25 नवंबर से आंदोलन चल रहा है, वह बिंदु हैं तथा किसानों के किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करना व MSP गारंटी कानून योजना बनाने के लिए तथा ये जो अन्ना मवेशी पशु हैं, बिजली के उपकरण जो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं किसानों को जिसका पैसा जमा है, और क्षेत्र की जर्जर सड़कें, गन्ना भुगतान, गन्ना गड़तौली, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए 15 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है।